हेलो फ्रेंड्स, तो ये है वेस्टवर्ड सीरीज का 27th पार्ट। इसके बाकी पार्ट्स के लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो लास्ट पार्ट में हमने देखा कि डाई शीटियान शीगो को मारने ही वाला था, लेकिन मंकी किंग वहाँ आकर उसे बचा लेता है। फिर वो दोनों वापस हेवन में आते हैं, जहाँ ग्वान अपने सोल्जर से उसे पकड़ने को कहता है और वो लोग मंकी किंग को घेर लेते हैं। मंकी किंग भी इसके लिए पूरी तरह से तैयार था और अपनी स्टिक की मदद से उन्हें सबक सिखाने लगता है। तभी उसे रोकने हेवन के कुछ और जनरल्स वहाँ आते हैं, जिनमें पहला है शीजाई, और मंकी किंग को लगता है कि अब इस लड़ाई में मजा आने वाला है। आगे हम एक और जनरल कोजैंग को देखते हैं और वो मंकी किंग को उछालकर नीचे ले आता है। फिर दोनों जनरल्स एक साथ उस पर अटैक करने आते हैं, लेकिन मंकी किंग उन्हें अपने पास फटकने तक नहीं देता और उनके सारे वार बेकार हो जाते हैं। तब किंगजाई वहाँ आकर अपने स्नेक डेमन से अटैक करता है, लेकिन वो भी मंकी किंग के आगे नहीं टिक पाता और वो उन्हें अपने अटैक्स को और बेहतर बनाने को बोलता है। उन जनरल्स को भी ये सुनकर बहुत गुस्सा आता है और तभी हम देखते हैं कि जिंग शुई ने इमोर्टल रोप से उसे पकड़ लिया है, लेकिन वो जानती है कि ये मंकी किंग को ज्यादा देर तक नहीं रोक पाएगा और जल्दी से अपने साथियों से उसे काबू करने को बोलती है। ये सुनकर तो जनरल्स मंकी किंग की ओर बढ़ते हैं, लेकिन देखते हैं कि वो तो अपने डीमन रूप में आ गया है। यहाँ उसे रूलाई की बताई एक बात याद आती है कि उसे बेवजह वॉयलेंस नहीं करना है, और ये सोचकर वो उन्हें मारने के बजाय खुद से दूर रखने की कोशिश करता है। फिर वो अपनी गोल्डन स्टिक को समन करता है और देखते ही देखते वहाँ तबाही मच जाती है। वो हेवन को वॉर्न करता है कि मेरा नाम मंकी किंग है और मुझसे लड़ने वही आ गया है जिसे अपनी जान से बिल्कुल प्यार ना हो। शीजाई को लगता है कि ये शायद 300 साल पुरानी हार का बदला लेने आया है, लेकिन जिंग शुई कहती है कि अगर ऐसा था तो ये हमें कब का मार चुका होता, इसका मतलब बात कुछ और ही है। शीगुओ भी ये बात नोटिस करता है कि मंकी किंग डरा कर देवताओं को खुद से दूर कर रहा है। तभी हम वेस्टर्न गेट के किंग म्यूटियान को देखते हैं, जो उस पर अपनी रेजोनेट पावर से अटैक करता है और कहता है कि अब मैं तुम्हें हेवन की असली पावर दिखाऊंगा। मंकी किंग ये सुनकर उसका मजाक उड़ाता है और कहता है कि ये अटैक तो किसी हवा के झोंके के जैसा है। तभी उसे डाई शीटियान की आवाज़ आती है, जो कहता है कि हमने तुम्हें समझाने की बहुत कोशिश की है और यहाँ तक कि तुम्हें हेवन के मिशन पर भी भेजा था ताकि तुम आगे चलकर हमें ज्वाइन कर सको, लेकिन तुम्हारे एटीट्यूड ने सब बर्बाद कर दिया और हेवन का किंग होने के नाते अब मैं तुम्हें और तबाही नहीं मचाने दूंगा और तुम हमेशा के लिए हमारी कैद में रहोगे। तब मंकी किंग कहता है कि ये दिखावा करने की कोई जरूरत नहीं है और अगर हिम्मत है तो मुझे लड़ाई में चैलेंज करके दिखाओ। ये कहकर वो उस पर अटैक करने जाता है, लेकिन साउथ किंग बीच में आकर कहता है कि इस बड़बोले को तो मैं सबक सिखाऊंगा। फिर वो अपने कुछ गोल्डन बीटर्स को छोड़ता है और वो मंकी किंग को एक नेट में फंसा लेते हैं। वो उनसे छूटने के लिए जितना स्ट्रगल करता है वो नेट उसे उतना ही कसता जाता है और मंकी किंग उसमें फंसकर नीचे जा गिरता है। म्यूटियान भी इस मौके का फायदा उठाता है और एक बार फिर अपनी रेजोनेट पावर का यूज करता है। हेवन के जनरल भी कहाँ पीछे रहने वाले थे और वो सब एक साथ मिलकर मंकी किंग पर अटैक कर देते हैं। ऐसा लगता है जैसे मंकी किंग का खेल अब खत्म हो चुका है, लेकिन वो छोटे रूप में बदलकर नेट से बाहर आ जाता है और कहता है कि तुम जैसे कीड़े मुझे ट्रैप नहीं कर सकते। वो एक एक करके उन जनरल्स को अच्छा सबक सिखाता है और जल्दी ही वो सारे ढेर हो जाते हैं। फिर वो हेवन के लोगों को सच्चाई बताता है कि तुम डार्क सोल्स को दूसरे देवताओं में क्यों ढूंढ रहे हो, जबकि उनका असली लीडर तो खुद डाई शीटियान ही है, और ये सुनकर सारे देवता हैरान रह जाते हैं। तभी हम गुआन को उसके पीछे देखते हैं, जो उसे अपनी बकवास बंद करने को कहता है और फिर अपने एक प्रिज्म को उसे कैद करने को भेजता है। मंकी किंग खुद को बचाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन उस स्पेल का सामना नहीं कर पाता और गुआन उसे लेकर वापस शिप पर आ जाता है। वहाँ वो साउथ किंग का मजाक उड़ाता है कि तुम्हें बातों से ज्यादा अपने अटैक को तेज करना चाहिए, और फिर उस प्रिज्म को डाई शीटियान को दे देता है, जिसे देखकर डाई शीटियान को बहुत खुशी होती है। ग्वान उससे कहता है कि अब आपका दुश्मन पकड़ा गया है और अगर आपकी परमिशन हो तो मैं मासूम लोगों को हेवन से बाहर निकालना चाहता हूँ। डाई शीटियान उसकी वफादारी की बहुत तारीफ करता है और कहता है कि सही मायने में तुम ही हेवन के प्रोटेक्टर हो और जब तक तुम यहाँ हो मुझे चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। आगे वो बताता है कि वैसे तो तुम्हें कोई रिप्लेस नहीं कर सकता, लेकिन जहाँ तक मासूम लोगों की बात है तुम्हें फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वो काम मैंने किसी और को दे दिया है। यही हम हेवन के कुछ और शिप्स को आते हुए देखते हैं और म्यूटियान समझ जाता है कि यहाँ जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है।
ग्वान भी उन शिप्स को ध्यान से देखता है और पता चलता है कि उनमें तो वो डार्क सोल्स भरी हुई हैं। तब डाई शीटियान उसे कहता है कि आज तक तुमने हेवन की बहुत सेवा की है, लेकिन अब वो सब बदलने वाला है क्योंकि मैं इस हेवन को एक नया रूप देना चाहता हूँ। ग्वान इसका मतलब पूछता है और डाई शीटियान के इशारा करते ही वो डार्क सोल्स शिप से कूदकर नीचे आ जाती हैं, जिनमें उस नकाब पोश के अलावा कुछ और फाइटर्स भी हैं। म्यूटियन उनकी ऐसी हरकत देखकर आग बबूला हो जाता है और पीशा मैंटियन से कहता है कि हमें इन डार्क सोल्स को रोकना ही होगा, लेकिन पता चलता है कि पीशा तो खुद भी डार्क सोल्स के वश में है और वो म्यूटियन से कहता है कि अब तुम लोग बचने के लिए कुछ नहीं कर सकते। उधर डाइशीटियन सबको बताता है कि ये एक नए युग की शुरुआत है और तुम सबका टाइम बदलने वाला है। तभी वो डार्क पावर उसको चेंज करने लगती है और हम देखते हैं कि वो एकदम से यंग हो गया है। जल्दी ही वो डार्क पावर हेवन को अपने कब्जे में ले लेती है और डाइशीटियन कहता है कि डरने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि मैं तुम्हारी लाइफ को एक नया मकसद देने वाला हूँ। फिर वो डार्क पावर सोल्जर्स को अपने वश में करने लगती है और वो नकाबपोश बचे हुए सोल्जर्स का खून चूसने लगता है। इधर डाइशीटियन ग्वान से खुद को ज्वाइन करने को कहता है और निंगनिंग भी उसे समझाती है कि इससे हम हमेशा साथ रह पाएंगे और आपको ये ऑफर एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। इस पर ग्वान कहता है कि रूलाई मुझे हमेशा कहा करता था कि एक देवता का सच्चा काम धर्म की रक्षा करना है और इसकी अहमियत टाइम के साथ कभी चेंज नहीं होती, चाहे तुम पर कितनी ही मुसीबत क्यों ना आए, क्योंकि जो बुरा है वो बुरा ही रहेगा, जैसे कि तुम्हारी डार्क पावर्स। ये कहकर वो डाइशीटियन का साथ देने से मना कर देता है और इस पर म्यूटियन कहता है कि तुमने तो मेरे दिल की बात छीन ली और चलो इन मॉन्स्टर्स को एक अच्छा सबक सिखाएं। तब डाइशीटियन उन्हें इसका परिणाम भुगतने को कहता है और उसकी डार्क पावर सेवन पर अटैक कर देती है। सोल्जर्स उनका मुकाबला करने की सोचते हैं, लेकिन पता चलता है कि डार्क पावर्स उनके मुकाबले बहुत स्ट्रॉन्ग हैं और वो इनके सामने नहीं टिक सकते। हेवन के जनरल्स भी उन्हें रोकने आते हैं, लेकिन देखते हैं कि उनकी तादाद हमसे बहुत ज्यादा है और इसमें उनके बचने का कोई चांस नहीं है। कुओजेंग उन डार्क सोल्स को चैलेंज करता है, लेकिन तभी एक स्नेक डीमन उसे निगल जाता है और पता चलता है कि किंग जाई भी डार्क सोल्स के साथ ही है। इधर एक डार्क जनरल ग्वान पर अटैक करने आता है, लेकिन वो उसे खुद तक नहीं पहुंचने देता और कहता है कि तुम्हारी मुझसे लड़ने की कोई औकात नहीं है। तब डाइशीटियन उसे बताता है कि तुम्हें इसकी ताकत को कम नहीं समझना चाहिए क्योंकि नए हेवन में तुम्हारी जगह यही यहाँ का प्रोटेक्टर बनने वाला है और तुम इसके सामने एक बच्चे की तरह हो। फिर वो डार्क जनरल ग्वान पर अटैक करने आता है और कहता है कि आज से मैं इस हेवन का प्रोटेक्टर हूँ, लेकिन इससे पहले कि वो ग्वान को छू तक पाए एक गोल्डन स्टिक उसे उठाकर दूर फेंक देती है और डाइशीटियन देखता है कि मंकी किंग वहाँ पर वापस आ गया है। एंड सीन में हम ग्वान और मंकी किंग को अपनी पोजीशन लेते हुए देखते हैं और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, इसका अगला पार्ट देखने के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। थैंक यू।